45वें मुकाबले की। लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने होगी चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए इस मुकाबले की बात कर लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स अपना पिछला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने अपने घर पर खेली थी। एक लो स्कोरिंग मुकाबला रहा था, कहीं ना कहीं मैच से ज़्यादा मैच के बाद जो हुआ वो इंटरेस्टिंग था। पहले गेंदबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी की। नवीन उल हक की गेंदबाजी ने सभी को खासा इंप्रेस किया। 3 विकेट्स लेने में सफल रहे थे नवीन उल हक। जिस तरीके से इस सीजन में गेंदबाजी कर रहे हैं नवीन, मार्क वुड जैसे एक एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज की कमी महसूस नहीं होने दे रहे हैं नवीन। बेहतरीन तरीके से कटर्स स्लो डिलीवरीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं लखनऊ की पिच पर। ऐसे ही गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। नवीन ने अभी तक जितनी भी गेंदबाजी की है सभी को खासा इंप्रेस किया अपने प्रदर्शन के साथ। रवि बिश्नोई और अमित मिश्रा 2-2 विकेट्स लेने में सफल रहे थे। दोनों ने ही अच्छी गेंदबाजी की, नपी तुली लाइन लेंथ रखी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाज खासा स्ट्रगल कर रहे थे स्पिन गेंदबाजी के सामने। जिस तरीके से गेंदबाजी की रवि बिश्नोई और अमित मिश्रा ने वो तारीफ के काबिल था। फाफ डुप्लेसी सेट थे, उसके बावजूद भी उन्हें जिगरे के साथ गेंदबाजी कर रहे थे ये दोनों ही गेंदबाज। बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते नजर आए हमें अमित मिश्रा। पहली पारी खत्म होने के बाद एक लो स्कोर था सामने चेस करने के लिए लखनऊ की टीम के लिए। जब लखनऊ सुपर जायंट्स बल्लेबाजी करने आई तब उससे पहले एक झटका लग गया था लखनऊ की टीम को। कप्तान केएल राहुल फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे। उन्होंने अपनी थाई को पकड़ रखा था जब वो गिरे फील्डिंग करते वक्त, और विजुअल्स देखकर यही लग रहा था कि कुछ सीरियस ही प्रॉब्लम हुई है उन्हें। जिस तरीके से उन्हें दूसरे खिलाड़ियों की सपोर्ट स्टाफ की मदद से अंदर पवेलियन लेके जाया गया, कहीं ना कहीं अच्छे विजुअल्स नहीं थे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल की टीम में हैं केएल राहुल, उनके फिटनेस पर अभी भी सवाल निशान है। किस तरीके से केएल राहुल कमबैक करते हैं ये देखना होगा हम सभी को। बल्लेबाजी करने के लिए आयुष भदौनी ओपनिंग करने के लिए आए थे काइल मेयर्स के साथ। मोहम्मद सिराज ने पहला विकेट बहुत जल्दी ले लिया था, काइल मेयर्स जल्दी आउट होकर लौट गए थे। उसके बाद बहुत ही अजीब तरीके से खेली लखनऊ की टीम। लखनऊ की टीम ने बैंगलोर को उन्हीं के घर में 200 प्लस रन चेस करते हुए हरा दिया था। पंजाब को उन्हीं के घर में 250 रन लगा दिए थे पहले इनिंग्स में, और अब 127 रन चेस नहीं कर पाई लखनऊ की टीम, जो बहुत सरप्राइजिंग था। ऐसा ही कुछ गुजरात टाइटंस के सामने हुआ था जब केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। एंड तक लेके गए केएल राहुल और कुछ ओवर्स पहले आउट हुए जिसकी वजह से टीम कोलैप्स हो गई और वो मुकाबला लखनऊ हार गई। ऐसा ही कुछ कल हुआ। सेट होने के बाद कुणाल पांड्या आउट हो गए, मार्कस स्टोइनिस ने कुछ शॉट्स खेलने का प्रयास किया वो आउट हुए, कृष्णप्पा गौतम ने कुछ रन स्कोर किए, 2 छक्के भी लगाए थे उन्होंने। कहीं ना कहीं एक लो स्कोर को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया लखनऊ की टीम ने मेरे अनुसार। जो मुकाबला सिंगल डबल्स के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी रखकर जीता जा सकता था उसमें बल का प्रयोग करने का प्रयत्न किया लखनऊ की टीम ने, और कहीं ना कहीं खासा भारी पड़ा। सबके बीच में एक जंग चल रही थी खिलाड़ियों के बीच। मैं थोड़ा पीछे जाएं तो लखनऊ और बैंगलोर चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेली थी। वहां पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ था, नेल बाइटिंग फिनिश था। हर्षल पटेल की गेंद मिस हुई थी, विकेट पर भी नहीं लगी थी, आवेश खान के बैट पे भी नहीं आई थी। 22 का रन मिला, दिनेश कार्तिक से मिस फील्डिंग हुई थी। उसके बाद लखनऊ जीती थी। जो सेलिब्रेशन लखनऊ की टीम ने किया था बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। आवेश खान ने तो अपना हेलमेट ही ज़मीन पर मार दिया था, उसके लिए उन्हें फाइन भी भरना पड़ा था। गौतम गंभीर और विजय धैया और बाकी सपोर्ट स्टाफ ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि सपोर्ट स्टाफ ऐसे सेलिब्रेट क्यों कर रहा है। उसके जो वहाँ पर बैंगलोर में विजुअल्स देखने के लिए मिले थे कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ हुआ जब बैंगलोर लखनऊ के मैदान में खेलने के लिए आई। विकेट गिर रहे थे, उस अंतराल में विराट कोहली भी कुछ जो जेस्चर्स थे जो गौतम गंभीर ने क्राउड की तरफ देखकर क्राउड को साइलेंट करा था, जो वो भी विजुअल्स
उन्हीं विजुअल्स की तरह हमें विराट कोहली भी क्राउड को शांत करते नजर आए। उन्होंने कीप फिंगर ऑन योर लिप वाला जो इशारा होता है वो किया था। जिस तरीके से वो विजुअल्स नज़र आ रहे थे अच्छा नहीं लग रहा था। किसी को भी ऐसा लग रहा था रिवेंज लेने के लिए खेल रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। जब नवीन उल्हक बल्लेबाजी कर रहे थे तब मोहम्मद सिराज, मुझे याद है गेंदबाजी करते वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे नवीन, उन्होंने नवीन के क्रीज के अंदर होने के बावजूद भी रन आउट करने का प्रयास किया था। विकेट्स पर बॉल मारी थी और थोड़ी कॉन्वर्जेशन चल रही थी बीच में, नवीन और विराट कोहली की भी बात चल रही थी। तब विराट कोहली ने कुछ जेस्चर्स किए थे जो बहुत ही आपत्तिजनक नज़र आ रहे थे। उन्होंने अपने जूते की तरफ इशारा करके नवीन उल्लक की तरफ भी दिखाया था और बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था विराट कोहली जैसे एक बड़े खिलाड़ी को ये सब करता देख किसी को भी। जब ये बात हुई अमित मिश्रा के साथ भी बीच में कॉन्वर्जेशन चल रही थी। मैच समाप्त हुआ, लखनऊ हार गई मुकाबला, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मैच जीत गई। उसके बाद काइल मेयर्स और विराट कोहली कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अचानक से गौतम गंभीर आए और काइल मेयर्स को अपने साथ लेकर जाने लगे और कुछ उसी बीच में थोड़ी सी बात हुई गौतम गंभीर और विराट कोहली की। हम जानते हैं दोनों खिलाड़ी ही एक हिस्ट्री लेकर आते हैं, लोग ऐसा मानते भी हैं कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में नहीं बनती है। कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा स्टैंप लगा दिया इन दोनों ही खिलाड़ियों ने। गंभीर ने भी कुछ इशारे करते हुए विराट कोहली की तरफ बोला, खिलाड़ी रोकने का प्रयत्न कर रहे थे उन्हें, केएल राहुल मोहसिन खान ने भी रोकने का प्रयास किया था, मगर विराट कोहली और गंभीर इतने करीब आ गए थे कि बस हवा ही निकल रही थी दोनों के बीच में से। बहुत ज़्यादा हीटेड कॉन्वर्जेशन नज़र आ रहा था, एम्पायर्स भी आ गए थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा केओटिक हो गया था दर्शकों के देखने के लिए। और दोनों भारतीय टीम के लिए लेजेंड्स रहे हैं, विराट कोहली अभी भी खेल रहे हैं, गौतम गंभीर ने भी बहुत मेजर रोल प्ले किया है भारतीय टीम के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, दोनों ही जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे, गौतम गंभीर ने जिस तरीके से पहले किया था उसके बाद अब विराट कोहली ने उसी चीज़ को वापस से रिक्रिएट किया कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। बीच में नवीन उल्हक और विराट कोहली जब हाथ मिला रहे थे दोनों ही टीम्स, एक तरफ से लखनऊ की टीम आ रही थी दूसरी तरफ से बैंगलोर की टीम आ रही थी, तब दोनों ने हाथ मिलाया और नवीन ने पता नहीं हाथ नहीं छोड़ा और वो कुछ बोल रहे थे विराट कोहली को। अचानक से विराट कोहली ने हाथ झटक दिया उनका और फिर ग्लेन मैक्सवेल बीच में आ गए, दोनों को अलग करने लगे और कुछ वहाँ पर भी हीटेड कॉन्वर्जेशन नज़र आई हमें। तो पिछला मुकाबला लखनऊ का जो हुआ था वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं दिखा किसी को भी। लखनऊ बेहतर क्रिकेट खेल सकती थी, दोनों ही खिलाड़ियों की कमी मानता हूँ मैं तो, कि दोनों में से किसी एक को भी ये सोचना चाहिए था कि कोई बात नहीं है, हम बड़े हैं, हमें इग्नोर करना चाहिए इस चीज़ को। कभी भी कॉन्वर्जेशन करने में कतराते नहीं हैं, सूत समेत लौटाते हैं विराट कोहली जो भी बात हुई होती है। विलियम्स वेस्ट इंडीज़ के हम सभी को याद आएंगे जिस तरीके से उनके साथ हुआ था, कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के भी जेस्चर्स को उन्होंने कॉपी किया। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था जो हुआ लखनऊ में, आशा करते हैं कि आगे हमें ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। गौतम गंभीर को भी फाइन लगा, विराट कोहली को भी लगा, नवीन उल्लक को भी लगा, 50% फाइन नवीन को लगा मैच फी में से और विराट कोहली और गौतम गंभीर को 100% फाइन लगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब लगा हम सभी को ये सब देखकर। आज हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लखनऊ का। अच्छे तरीके से दोनों टीम्स खेलेंगी और स्पिरिट ऑफ द गेम को मेंटेन करके रखेंगी ये दोनों टीम्स, और फ्यूचर में भी हमें ऐसी चीज़ें नहीं देखने के लिए मिले, हम इसकी बस आशा ही कर सकते हैं। पिछला मुकाबला जब खेली थी तब डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। डेविन कॉनवे खासा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था उन्होंने, 92 रन बनाए थे, नॉट आउट खेले थे, अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं डेविन कॉनवे लगातार। कुछ मैचेस में 3-4-50 जड़ दी थी उन्होंने, मैंने कहा था कि आज डेविन कॉनवे पर सभी की निगाहें टिकी होंगी और डेविन कॉनवे ने 92 रन की लाजवाब पारी खेल के दी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए। गेंदबाजी करते हुए तुषार देशपांडे और रविंद्र जडेजा का अच्छा प्रदर्शन रहा था। देशपांडे थोड़े महंगे साबित हुए, इकोनॉमिकल रहना होगा उन्हें, कम स्कोर्स बने, कम रन्स दें वो, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। तुषार देशपांडे अच्छा खेल रही है, चेन्नई की भी टीम, लखनऊ की टीम भी अच्छा खेल रही है। पिछला मुकाबला ज़रूर हारे मगर मुझे लगता है कि आज हमें एक अच्छा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। टॉस आपसे बहुत कुछ निर्भर करता है, जो टीम टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी करना प्रेफर करेगी।
चेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लखनऊ के मैदान में। दोपहर का मुकाबला है तो कहीं ना कहीं एडवांटेज होगा पहले बैटिंग करने वाली टीम को। केएल राहुल की फिटनेस पर अभी भी सवाल निशान है, किस तरीके से केएल राहुल अगर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उसके ऊपर अभी तक कोई भी क्लियर इमेज नहीं आई है लखनऊ की तरफ से। वर्कआउट फॉर की बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में, दोनों ही टीम से मैं स्पिनर्स को पिक कर रहा हूँ। जिस तरीके से पिछले मुकाबले में स्पिनर्स का बोलबाला रहा था, मुझे लगता है लखनऊ का मैदान 150-160 पार टोटल होता है लखनऊ में। रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए स्टार परफॉर्मर हो सकते हैं आज के मुकाबले में। जड्डू बहुत अच्छी फॉर्म में है, गेंद के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंदबाजी करते हुए अच्छे विकेट्स ले रहे हैं वो। उनके साथ हमेशा लोग यही कंसिडर करते थे कि विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है रविंद्र जडेजा, मगर इस साल लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट्स चटका के दे रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मेरे हिसाब से कुणाल पांड्या होंगे वो खिलाड़ी जिन पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। कुणाल ने पिछले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हुए थे थोड़ा, तो कहीं ना कहीं आज अच्छा परफॉर्म करना होगा कुणाल पांड्या को। अगर विजेता पिक करना हो आज के मुकाबले में तो मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स आज का मुकाबला हरा देगी चेन्नई सुपर किंग्स को। टॉस पर सब मेरे हिसाब से बहुत कुछ निर्भर करता है। जिस तरीके से लखनऊ पिछला मुकाबला हारी, एक शर्मनाक हार थी, अपने ही घर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें हरा दिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जो केओस हुआ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से खेलेगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मेरे हिसाब से, और आज चेन्नई को टफ टाइम देगी लखनऊ सुपर जायंट्स मेरे हिसाब से। हम आशा कर सकते हैं कि आज का मुकाबला हमें अच्छा देखने के लिए मिलेगा, ऐसी फिर से कोई चीज़ नहीं होगी फ्यूचर में जैसा हुआ बैंगलोर और लखनऊ के मुकाबले में, और आज एक अच्छा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, दो अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, जो टीम आज जीतेगी वो कहीं ना कहीं एक पाँव उनका प्लेऑफ्स में चला जाएगा। तो ये जीत के लिए खेल रहे हैं, प्लेऑफ्स के लिए स्टार्ट हो गई है। जो आज मुकाबला जीतेगा लगभग अपनी जगह पक्की कर लेगा प्लेऑफ्स में। आज जी जान से खेलेंगे ये दोनों टीम्स। ये था लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का प्रीव्यू। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।